हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे जो धातुएं होती है उनके महत्वपूर्ण अंश कौन कौन से होते हैं, और धातु क्रम से हर साल अपने ICAR, JET, BHU, NEET, JEE में एक क्वेश्चन धातु क्रम से उसके अंश का जरूर आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि अपने सिलेबस में कौन सी धातु का कौन सा अंश बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अणुसूत्र अपने को याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस में है कॉपर धातु के अंश कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके कौन कौन से अंश होते हैं, सबसे मुख्य इसका अंश होता है वो होता है कॉपर पाइराइटीज, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसको चालको पाइराइटीज भी बोलते हैं। अगला Cu2S, जिसे कॉपर ग्लांस बोलते हैं, याद करते जाओ साथ ही साथ। Cu2O, जिसे क्यूपराइट बोलते हैं, रूबी कॉपर बोलते हैं जिसको। ऐसे ही CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, और CuOH का होल क्वाइस, जिसे मेलेकाइट बोलते हैं। और इसी के आगे अगर मैं दो लगा दूं मोल, तो यही बन जाता है एजुराइट। एक बार दोबारा बोल देता हूं फटाफट। पहला कॉपर पाइराइटीज, जिसे चालको पाइराइटीज भी बोलते हैं। दूसरा कॉपर ग्लांस, तीसरा रूबी कॉपर, चौथा अपने मेलेकाइट, और आगे दो लगाते ही एजुराइट। ये है कॉपर की महत्वपूर्ण अयस्क। अगला है आयरन। सबसे पहले वही जैसे FeS, उसको बोलते थे कॉपर पाइराइटीज, इसे बोलते हैं आयरन पाइराइटीज, मूर्खों का सोना। ऐसे ही Fe2O3, जिसे बोलते हैं हेमेटाइट। ऐसे ही आयरन का एक ऑक्साइड Fe3O4, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। पहले हेमेटाइट आता है, फिर मैग्नेटाइट। ऐसे ही FeCO3, जिसे बोलते हैं, सी से पता पड़ रहा है, सीडेराइट, ये सीडेराइट है। और Fe2O3.3H2O, इसे बोलते हैं लिमोनाइट। क्या बोलते हैं? लिमोनाइट। जैसे कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइटीज, वैसे ही आयरन का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। साथ के साथ अपने नोटबुक में लिखते भी जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से, ताकि हमेशा अपने एग्जाम तक याद रहे अपने को। इसी के आगे आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। यहाँ में पानी के अणु H2O ले लिया, X, और ज़्यादातर अगर इसकी संभावना है कि पानी के अणु कितने होते हैं, तो यहाँ X का मान होता है 2, और एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क का बॉक्साइट ही होता है। Al2O3, जिसे बोलते हैं कोरोंडम एलुमिना। ऐसे ही एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। और इसी एलुमिना में अगर एक पानी का अणु हो, तो इसी को बोलते हैं डायोस्पार। डायोस्पार, एक एक का नाम भी लिखते जाए, इसे बोलते हैं क्रायोलाइट। आपको कितना याद रहता है, एक बार नाम लिखे। इसे बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट ये है एल्यूमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क, और इसका मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। प्रत्येक धातु के धातु क्रम में उसका मुख्य अयस्क तो याद रखे। इसी एल्यूमिनियम के आगे मैं बात करता हूं जिंक की। सबसे पहले ZnS, जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। दूसरा ZnO, जिसे बोलते हैं जिंक का ऑक्साइड, जिंकेट। ऐसे ही ZnCO3, जिसे बोलते हैं केलामाइन। एक बार दोबारा बोले, इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड, या इसी को नाम दिया जाता है एस के आधार पर स्पेलेराइट। इसी जिंक ब्लेंड को नाम दिया जाता है स्पेलेराइट। इसे बोलते हैं जिंकाइट, और इसे बोलते हैं केलामाइन, जो अपने जेट 2021 में पूछा गया, ये जिंक का इश्क। ऐसे ही पीबी का, और पीबी का मुख्य इश्क होता है पीबीएस, और इसी पीबीएस को बोला जाता है गेलेना। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए झाक पलवन विधि काम आती है ना, ये वही सल्फाइड अयस्क है। ऐसे ही एजी का इश्क, Ag2S, जिसे बोलते हैं सिल्वर ग्लांस। जैसे आया था ना Cu2S कॉपर ग्लांस, वैसे सिल्वर ग्लांस। ऐसे ही AgCl को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर,
क्या बोलते हैं, होरन सिल्वर, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जो अपने इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम अपने को याद होना चाहिए, एस एन ओ, या इसके दो ऑक्सीजन अणु हो, एस एन ओ टू, इसे बोलते हैं कैसिटेराइट। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बताए हैं जो अपनी सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से आपको कॉपर का, आयरन का और एल्यूमिनियम का, ये तो अपनी सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट धातुओं के धातु क्रम है, इनके ऐसे तो हमारे को याद होने ही चाहिए। चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लगातार एग्जाम तक, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। आप इस वीडियो के लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।